ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में नक्श और कीर्ति ने डिसाइड कर लिया है कि वो अब डिवोर्स लेकर ही रहेंगे। उनके रिश्ते में सेकंड चांस देने की कोई ज़रूरत नहीं बची है, जिसके चलते अब दोनों बड़ा कदम उठाएंगे, बड़ा फैसला लेंगे और दशहरे के मौके पर ये सारी बातें कार्तिक नायरा सुनने वाले हैं। इतना ही नहीं, बच्चे भी इस बारे में जान जाएंगे और बच्चों को लगेगा कि सब प्रॉब्लम जो है वो किसी आदित्य की वजह से क्रिएट हो रही है, जिस वजह से क्रिश और बाकी बच्चे मिलकर आदित्य को मंदिर में बुलाने वाले हैं। और ये बात बिल्कुल भी पता नहीं होगी कार्तिक नायरा नक्श और कीर्ति को। अब ऐसे में आपको बता दें कि आने वाली कहानी में आदित्य के जरिए ही कई सारे खुलासे हो सकते हैं, जो खुलासे कार्तिक नायरा को चौंका कर रख देंगे, क्योंकि जब पता चलेगा आदित्य को कृष्णा के बारे में तो कहीं ना कहीं आदित्य भी जानता है कि कृष्णा कौन है और कार्तिक नायरा की पहली बेटी के साथ क्या कुछ हुआ था। अब देखना दिलचस्प होगा कि आदित्य के जरिए ही शो के मेकर्स इस राज से पर्दा हटाते हैं या इस राज को और दिनों तक बनाए रखते हैं। और खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सीरियल डायरी।